हाय, आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली आज मैं घर जा रही हूँ दरभंगा अपनी मम्मी से मिलने के लिए, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और सुबह हो चुकी है, मैं सारा काम लगभग कर चुकी हूँ। पैकिंग भी तो मैं करीब 2-3 दिन से चल रही थी, तो लगभग पैकिंग भी पूरी तरह से हो गई है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि फाइनली मैं दरभंगा जा रही हूँ अपने मम्मी पापा से मिलने। बहुत दिन हो गए थे, नहीं गई थी क्योंकि बेटी का एग्ज़ाम चल रहा था। आज मेरा 2 बजे मतलब यहाँ से घर से निकलेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपनी एक्साइटमेंट बता नहीं पा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है मुझे। और थोड़ी बहुत कुछ कुछ काम है जो मैं कर लूँ। हम लोग क्रिसमस डेकोरेट किए थे, तो इसे भी हमें रखना है। एक ये भी काम है, वो मेरी बेटी का पानी बोतल और बैग रखना है। ये सब भी अंदर में रख के जाऊंगी, क्योंकि जब तक आऊंगी तब तक ये सब बाहर में रख के गंदे हो जाएंगे, इसीलिए ये सब भी रखना है। तो काम आज थोड़ी सी ज़्यादा है, पर चलता है। जितने भी घर में सामान जो बाहर में रखे हुए हैं, उस सबको कवर्ड के अंदर डाल के रख देना है, ढक के रख देना है, जिससे गंदा ना हो। ब्लैंकेट, अब यहाँ पे गर्मी जो है थोड़ा थोड़ा आ चुकी है, और जब तक मैं मतलब दरभंगा से यहाँ आऊँगी तब तक बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी होगी, तो इसलिए ब्लैंकेट भी अंदर में रख देना है जो हम लोग यूज़ करते थे उस सबको। तो ये सबको करना है, पर ये सब करने में मुझे खुशी मिल रही है क्योंकि फाइनली जाना जाना मिल रहा है मुझे। तो इसलिए ये सब भी करना मुझे बहुत एक्साइटेड दे रही है कि हाँ, ये सब फटाफट कर लो जल्दी से, टाइम भी आज जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो इस बात की भी खुशी हो रही है। करा नाश्ता, नूडल्स। आज बेटी बोली कि नूडल्स ही खाएंगे, तो मेरा भी मन डोल गया कि मैं भी नूडल्स खा लूँ। तो यही रहा नूडल्स, नाश्ता ये बना के लाई, जल्दी भी बन गया और समय का भी बचत, क्योंकि आज समय बहुत तेज़ी से भागते जा रहा है और हमें जाना भी आज ही निकलना है, तो इसीलिए आज हमने नाश्ते में नूडल्स ही लिया है। मेरी लगेज जो है वो रेडी हो गई है, पूरी तरह से जाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं मैंने एक साइड में करके रख दिया है, जिससे कि मुझे इजी वे में ऑटो में रखने में इजी हो, ताकि मुझे ये ना लगे कि क्या है क्या नहीं, इसलिए मैंने इसे साइड में करके रख दिया। जो मुझे ले जाना है वही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये है सूट के, इसमें मैं और मेरी बेटी का कपड़ा है। जैसे कि आप लोग जानते ही कि हम लोग इंगेजमेंट पर जा रहे हैं, उस हिसाब से मैंने इसमें कपड़ा रखा है। कुछ हैवी कपड़ा भी है और कुछ लाइट कपड़ा भी है। और ये है वो बैग जिसमें ज़रूरी के सारे सामान रखे हुए हैं, फर्स्ट एड बॉक्स है और वैप्स है, डायपर्स हैं, और गर्म और ठंड के लिए कुछ कपड़े हैं। जैसे कि अभी थोड़ा सा गर्मी और थोड़ा सा ठंड है, तो कुछ स्वेटर वटर भी मैंने ले लिया, क्योंकि हम लोग बस से ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बस में किसी चीज़ का उतना ये सुविधा नहीं होती है। उस हिसाब से हमने इस बैग को पैक किया है सहूलियत के हिसाब से, ताकि रास्ते में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, और साथ में एक छोटी बच्ची है तो इसलिए भी ये सब सोच के पैक करना पड़ता है। इसमें वो है और इसमें, और ये है मेरा स्नैक्स बॉक्स, इसमें कुछ स्नैक्स है और वाटर बोतल है, क्योंकि छोटी बच्ची है, कब क्या खाने को मांग दे, कहा नहीं जा सकता है, तो इसीलिए इसमें कुछ स्नैक्स और वाटर बोतल है, पानी का बोतल। और ये है मेरा हैंड पर्स, इसमें मैंने कुछ मेडिसिन रखा हुआ है, जैसे सिर दर्द का, वोमिटिंग का, ये सब का। और मैंने चार्जर रखा हुआ है, इसमें मेरे मोबाइल रहती है, और एक डायरी भी मैंने रखा हुआ है, एक हैंकी भी है, कुछ ज़रूरत का, ज़्यादा ज़रूरत का सामान जो इसमें है, रबर बैंड है जो रास्ते में हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये सब इसमें रखा हुआ है। बाकी ये पूरा मेरा लैगेज जो है पूरी तरह से तैयार हो गई है। हैंड पर्स को मिला के मेरे 4 लैगेज हुए हैं, और आप देख सकते हैं सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि साथ में बच्ची भी जा रही है, तो इसीलिए हर चीज़ ऑर्गेनाइज की, तुरंत एट ए टाइम आप रास्ते में हर सामान को निकाल के जो है नहीं ढूंढ सकते हैं, इसीलिए आप समझदारी से किसका कब कितना पहले ज़रूरत पड़ेगा, उस हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से सामान को पैक कीजिए। ऐसा ना हो कि जाते देरी मुझे जिस सामान की ज़रूरत पड़े वो सबसे नीचे हो, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ट्रैवलिंग में। तो ये सब सोच समझ के ही पैक किया गया है। हम लोग रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स, पर अभी तक ऑटो नहीं आई है, ऑटो का वेट कर रहे हैं। पर उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगी। जब आप लोग घर पूरी तरह से खाली करके जा रहे होंगे, तो सामान की चिंता बहुत सताती है कि आने के बाद जो है उसे कैसे सफ़ा करूँगी, बहुत डस्ट हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका एक प्रॉब्लम का सजेशन मैं बताते हुए जाती हूँ, क्योंकि
जब आपके घर में कोई पुराना बेडशीट हो जो फटा हो, यूज़लेस हो, या कोई बड़ा सा चादर हो जो यूज़लेस हो, उसे हर सामान के नाप से फाड़ लीजिए। जैसा कि ड्रेसिंग टेबल है तो उसके नाप से फाड़ लीजिए, जैसे कि डाइनिंग टेबल है तो उसके नाप से फाड़ लीजिए, कुछ शोकेस है उसके नाप से आप फाड़ लीजिए, या पूरा चादर ही उड़ा दीजिए और आप चल जाइए फ्रेंड्स। तो उससे क्या होगा, जब आप वापस आएंगी तो सिर्फ आपके वो हल्के फुल्के चादर ही धोने का टेंशन रहेगा, ना कि सामान में जो वर्क किया रहता है। सपोज दैट शोकेस में, ड्रेसिंग टेबल में जो मीही मीही वर्क किया रहता है, उसमें से गंदगी निकालने की आपके पास टेंशन नहीं रहेगी। तो ये था आज का मेरा टिप्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आ चुके हैं और बैठ चुके हैं, ये देख सकते हैं मैं और अपराजिता, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं, जबकि बस का टाइम है 3:30 बजे और हम लोग 45 मिनट पहले ही आ चुके हैं, बस खुलने से पहले, इसीलिए हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। बहुत इक्का दुक्का ये आदमी है, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है, टाइम होगा तभी वो लोग आएंगे। यहाँ तो बहुत गर्मी है, पता नहीं बिहार में क्या होगा, ठंडा है कि गर्मी पता नहीं, जाने के बाद ही पता चलेगा। फाइनली ये जर्नी ख़त्म हुई और हम लोग दरभंगा पहुंच चुके हैं। और ये वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, आप देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूले। ओके बाय, टेक केयर।